एचआईवी वायरस खुले एनवायरनमेंट में कितनी देर जिंदा रहता है या कितनी देर में मर जाता है, ये बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। तो देखिए, हम इसकी कंडीशन दो स्थितियों में ही जानना चाहते हैं, जो आपके क्वेश्चंस रहते हैं उसमें, कि अगर किसी का ब्लड कहीं गिरा है जिसको एचआईवी था, या फिर अगर किसी का सीमेन या बॉडी फ्लूड किसी फीमेल का अगर कहीं लग गया है हाथ में, तो कब तक वो वायरस वहां पर रहेगा। तो इसका बहुत सिंपल सा है आंसर कि अगर किसी भी एचआईवी पॉजिटिव के शरीर से ब्लड अगर निकला है और कहीं अगर वो गिर गया है, तो जब वो सूख जाएगा वायरस भी मर जाएगा। सेम ऐसे ही बॉडी फ्लूड, अगर सीमेन कहीं निकला है और लग गया है कपड़ों में या हाथ में, तो जब वो सूख जाएगा वायरस भी खत्म हो जाएगा। फीमेल का बॉडी फ्लूड अगर लगा है, तो जब वो सूख जाएगा तो वायरस मर जाएगा। तो अब आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि अगर किसी को एचआईवी है और उसका ब्लड या बॉडी फ्लूड या फिर फीमेल का बॉडी फ्लूड, जिनको एचआईवी है, अगर वो बाहर रहता है और जब वो सूख जाता है तो वायरस भी खत्म हो जाएगा। तो बहुत, आप इसमें कोई कन्फ्यूजन ना रखिए, और कोई और सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो लाइक करके हमें फीडबैक जरूर दें, और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी फैमिली में शामिल हो। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग, सी यू।